हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सेब्बी कुमार और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेब्बी मेंटर में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कन्वे सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के एंगल्स के बारे में। फ्रेंड्स, जब कन्वे सिस्टम का डिज़ाइन किया जाता है तो उसका कैपेसिटी निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के एंगल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यदि हम थोड़ा भी वेरिएशन करते हैं तो कन्वेयर बेल्ट का जो कैपेसिटी है वो भी चेंज हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं एंगल्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि कोई जानकारी मिस ना हो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कन्वेयर सिस्टम में जो एंगल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है इंक्लिनेशन एंगल, दूसरा है ट्रफिंग एंगल, तीसरा है सरचार्ज एंगल, चौथा है एंगल ऑफ रिपोज और पांचवा है एंगल ऑफ रैप। आइए अब हम देखते हैं कि कन्वेयर बेल्ट का इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है। कन्वेयर बेल्ट को जब किसी जंक्शन हाउस या ऐसा कोई इक्विपमेंट जो बहुत ऊंचाई पर इंस्टॉल किया गया हो में फिटिंग के लिए डिजाइन किया जाता है तो उसे एक निश्चित एंगल में इंस्टॉल करते हैं। यह एंगल बल्क मटेरियल के प्रॉपर्टी के अनुसार तय किया जाता है। जैसे कि हम कन्वेयर बेल्ट में बहुत प्रकार के मटेरियल को कन्वेइंग करते हैं, जैसे कि अल्लम्स है, फाइंस है, या पाउडर है, या आयरन ओर हो या कोल हो, क्योंकि इसका डेंसिटी भी अलग अलग रहता है। उसी के अनुसार इसका इंक्लिनेशन एंगल को तय किया जाता है, जिससे कि मटेरियल कन्वेइंग के दौरान लुढ़क कर वापस ना जाए। इस एंगल को कन्वेयर बेल्ट का इंक्लिनेशन एंगल कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट गैलरी को जंक्शन हाउस में फिटिंग के लिए एक निश्चित एंगल में इंस्टॉल किया गया है। आइए अब हम देखते हैं ट्रफिंग एंगल क्या होता है। ट्रफिंग आइडलर फ्रेम में विंग आइडलर, जिसे हम साइड वाला आइडलर कहते हैं, और ये जो बीच का सेंट्रल वाला आइडलर है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे ट्रफिंग एंगल कहते हैं। ट्रफिंग एंगल के कारण ही कन्वेयर बेल्ट को कर्व शेप मिलता है, जिससे बल्क मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा कैरिंग किया जा सकता है। और यदि हम ट्रफिंग एंगल को बढ़ाते हैं तो कन्वेयर बेल्ट की जो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। यदि हम इसे कम करते हैं, इसको मान लो हम नीचे कर देते हैं, तो कन्वेयर बेल्ट की जो कैरिंग कैपेसिटी वो भी कम हो जाएगी। तो कन्वेयर बेल्ट में बहुत प्रकार के ट्रफिंग एंगल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 10 डिग्री का, 20 डिग्री, 35, 45 डिग्री का। ये सब हम कैरिंग साइड में यूज़ करते हैं। यदि हम रिटर्न आइडलर, जो वी टाइप का जो रिटर्न आइडलर है और उसे यूज़ करते हैं, तो उसका जो ट्रफिंग एंगल होता है वो 10 डिग्री का होता है। आइए अब हम देखते हैं कि सरचार्ज एंगल क्या होता है। जब मटेरियल को कन्वे बेल्ट के माध्यम से कन्वेइंग किया जाता है तो कन्वेइंग के दौरान मटेरियल उछलता है और या तो मूव होता है। उस दौरान मटेरियल हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो एंगल बनाता है उसे हम सरचार्ज एंगल करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये जो साइड में जो बेल्ट का जो क्लियरेंस होता है वो होता है 0.05B+25 mm, जहाँ पर बी है अपना बेल्ट का विड्थ। और जो सरचार्ज एंगल का वैल्यू होता है वो एंगल ऑफ रिपोज से 5 से 15 डिग्री तक कम होता है। आइए अब हम देखते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज ग्रेनुलर मटेरियल का स्टीपेस्ट एंगल ऑफ डिसेंट या डिप है, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से बिना स्लिप हुए बनाता है। यह एक ऐसा एंगल है जहाँ से मटेरियल लगभग फिसलने के कगार पर होता है और इसका वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक होता है। यदि हम बल्क मटेरियल को स्टेकिंग करते हैं तो स्टेकिंग के दौरान यह एक एंगल बनाता है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से होता है, और इस एंगल को ही हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू कैसे निकाला जाए। जब हम बल्क मटेरियल को स्टेकिंग करते हैं तो स्टेकिंग के दौरान इसका शेप कोनिकल होता है। यदि इसका हाइट हम एच माने और बेस का जो डायमीटर है डी के बराबर माने तो 10 थीटा इज इक्वल टू होगा 2H/D, तो एंगल ऑफ रिपोज थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 2H/D, जहाँ पर एच अपना पाइल का हाइट हो गया और जो डी है उसका डायमीटर हो गया। इसमें हम यदि एच और डी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि एंगल ऑफ रैप क्या होता है। जब कन्वेयर बेल्ट पुली से गुजरता है तो पुली में जहाँ से कन्वेयर बेल्ट टच होना स्टार्ट होता है और
जहाँ पर पुली से टच होना बंद कर देता है, उस सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस को हम एंगल ऑफ रेप कहते हैं। तो पहले केस में हमारा एंगल ऑफ रेप है 180 डिग्री, जहाँ पर कोई भी स्नबर पुली का इस्तेमाल नहीं किया गया, और दूसरे केस में जहाँ पर हमने स्नब पुली का इस्तेमाल किया तो वहाँ पर एंगल ऑफ रेप जो है 220 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार हम स्नब पुली का इस्तेमाल करके एंगल ऑफ रेप को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा जो ट्राई पुली है उसका भी ट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है। कन्वेयर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के एंगल के बारे में यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपके 1% भी काम करेंगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स तथा फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी ले सकें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे।